हम खड़े हैं अरेबियन सी के नीचे और ये है मुंबई का नया कोस्टल रोड। इसे 12,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ बनाया गया है। मुंबई की इंटरनल ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर पूरा ये एक रोड बना है, जिसका कुछ पार्ट यहाँ पर समंदर के नीचे से होकर जाता है और कुछ पार्ट यहाँ पर समंदर के ऊपर से जाता है। और ये स्टार्ट होता है वर्ली में और ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर पहुंचा देता है मरीन ड्राइव। और गुड न्यूज तो ये है कि आपको इसमें ट्रैवल करने के लिए कोई भी टोल नहीं देना पड़ेगा। और इसी के अंदर इंडिया का पहला अंडरसी टनल भी बनाया गया है, जिससे आप समंदर के नीचे से ट्रैवल कर पाओगे। हाय गाइस, इस समय हम खड़े हैं मुंबई के नए कोस्टल रोड के नीचे और ये जो पूरा टनल देख रहे हो, अभी हम लोग हैं अरेबियन सी के नीचे और ये पूरा जो टनल है इसकी स्ट्रेच है 2 किलोमीटर की। चलो अभी मैं आपको है ना ये कोस्टल रोड का पूरा टूर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कोस्टल रोड कैसा बना है, आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं यहाँ आने के लिए। अभी देखो हम लोग कोस्टल रोड में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है और इसका नाम है ना छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड भी इसको कहा जाता है। और देखो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, ये हम एंटर कर रहे हैं वर्ली के साइड से, क्योंकि ये कोस्टल रोड जो ओपन हुआ है ये वन वे ही ओपन हुआ है जो वर्ली से लेकर मरीन ड्राइव जाता है। इसका जो दूसरा वे है जो मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली तक आता है वो अभी तक यहाँ ओपन नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कितने स्मूथ रोड्स यहाँ पर बने हुए हैं और पूरा ये है ना 4 लेन्स का एक्सप्रेस वे है। रोड के दोनों ही तरफ आप देख सकते हो यहाँ कर्टन्स लगाए गए हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ है ना यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन काम जो बाकी है, जो दूसरी तरफ का रोड है वो यहाँ पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो प्रोमिनाड बन रहा है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो पूरा रोड है यहाँ पर है ना सिर्फ 4 व्हीलर्स अलाउड है, 4 व्हीलर्स में भी वो कार और यहाँ टैक्सी जा सकती है और जो बसेस है वो जा सकती है, यहाँ पर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है और जो हैवी ट्रक्स होती है वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप देखोगे अभी हम हाजी अली दरगाह के पास पहुंच चुके हैं और ये जो ऊपर ब्रिजेस जा रहे हैं ना ये इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है कोस्टल रोड से एंट्री और एग्जिट लेना, 2 इंटरचेंजेस है। पहला यहाँ पर आता है ये हाजी अली दरगाह के पास और फिर दूसरा यहाँ पर नेपन सी रोड पे। ये कोस्टल रोड की पूरी लेंथ है 10.58 किलोमीटर की, जिसमें से ये कोस्ट लाइन पर जो रोड है उसकी लेंथ है 7.5 किलोमीटर की और आगे के 3 किलोमीटर ये टनल के अंदर से होते हुए जाएंगे। आप ऊपर देखो यहाँ पर टनल का वेलकम बोर्ड आ चुका है और अभी हम एंट्री कर रहे हैं टनल के अंदर। और ये जो पूरा टनल देख रहे हो, अभी हम लोग हैं अरेबियन सी के नीचे और ये पूरा जो टनल है इसकी स्ट्रेच है 2 किलोमीटर की। तो देखो अभी हम टनल के अंदर तो आ चुके हैं। ये टनल है ना यहाँ पर प्रियादर्शनी पार्क के पास से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे जाता है मलाबार हिल्स के नीचे से होते हुए, फिर ये गिरगांव चौपाटी के नीचे से होते हुए फिर आगे ये एग्जिट करता है मरीन ड्राइव पर। और ये टनल के अंदर काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी लगाए गए हैं, जैसे कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप वॉक करके भी बाहर निकल सकते हो और फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स और टेलीफोन्स लगाए गए हैं और इसके अंदर सकाडो वेंटिलेशन लगाए गए हैं जिससे हवा प्रॉपर अंदर बाहर आए। और इसके अंदर फ्लड प्रूफ ये पूरा बनाया गया है जो कि बारिश का पानी ये इसके अंदर जमा ना हो जाए। और अभी देखो यहाँ पर हम मरीन ड्राइव पर पहुंच गए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हमने ये पूरा टनल पार कर लिया। देखो अभी टनल है ना ये मरीन ड्राइव पर आकर यहाँ पर एंड हो जाता है। मेरे ख्याल से ना ये जो ऊपर वाले कैनोपीज है ना इसकी मदद से मरीन ड्राइव का जो व्यू है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, थोड़ा सा खराब हो रहा है व्यू, लेकिन ये भी लगाना जरूरी था। और ये जो कोस्टल रोड पूरा बना है ना ये अभी वन वे ही बना है, यहाँ पर जो मैं वर्ली से आया और यहाँ पर ये मरीन ड्राइव पर खत्म हुआ, तो ये पूरा वन वे था, तो ये पूरा वन वे अभी चालू हुआ है और जो यहाँ पर मरीन ड्राइव से लेकर जो वर्ली तक ये रोड जाता है उसका काम है ना अभी भी चालू है। तो मेरे हिसाब से ना तो ये प्रोजेक्ट तो एकदम आधा ही यहाँ पर बन के कम्प्लीट हुआ है, उसको ये लोग ने स्टार्ट कर दिया। ये शायद से ना जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके वजह से भी ये प्रोपोगंडा हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ आधा अधूरा ये लोग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, वरना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो दोनों वे इसके रोड एक साथ में स्टार्ट होने चाहिए। और ये रोड पर ट्रैवल करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ये खुला रहेगा सिर्फ मंडे से लेकर सैटरडे तक ही और यहाँ आप ट्रैवल कर पाओगे सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। पीछे ये रीजन है कि उसके बाजू में जो प्रोमिनेंट बन रहा है उस जो सेकंड वे रोड है वो भी उसका भी काम यहाँ पर चालू है, तो उसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट करने के लिए कोस्टल रोड सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही ओपन रहेगा और सैटरडे संडे ये बंद रहेगा ये वाला रोड। दूसरा रूट ये भी होने वाला है कि आप डायरेक्टली जो कोस्टल रोड से है ना आपको कनेक्ट करेगा बांद्रा वर्ली सीलिंग के अंदर ही और बांद्रा वर्ली सीलिंग से डायरेक्टली आपको कोस्टल रोड पर कनेक्ट करेगा। आपको इसमें ट्रैवल करने के लिए ना कुछ भी टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जो मरीन ड्राइव से डायरेक्टली यहाँ पर बांद्रा वर्ली सीलिंग पर कनेक्ट करता है वो रोड, अगर आप वहाँ से जा रहे हो और तो आपको वर्ली सीलिंग का टोल ऑफकोर्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वर्ली से एग्जिट हो जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। तो ये पूरा जो मैंने आपको कोस्टल रोड दिखाया ना तो ये था इसका फेज वन। फेज टू है ना आने वाले फ्यूचर में बन के रेडी होगा, वो होगा यहाँ पर वर्सोवा से लेकर दहिसर तक। अभी है ना मुंबई के पास उसका दूसरा एक मरीन ड्राइव आएगा, उससे डबल जो मरीन ड्राइव था यहाँ पर पहले 3 किलोमीटर का था, अभी दूसरा जो मरीन ड्राइव है वो यहाँ पर है ना 7.5 किलोमीटर का प्रोमिनेंट होने वाला है। आप जो ये देख रहे
है। अभी हम लोग जो वर्ली सी फेस पर यहाँ पर खड़े हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स लगी हुई है। पहले जो समंदर आता था ना, ये यहाँ पर बाउंड्री तक पहले समंदर आया करता था, लेकिन अभी है ना ये जो रोड है ना इसको वाइड किया गया है, इसको जो लैंड यहाँ पर था उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है पीछे तक, और वहाँ पर पीछे यहाँ पहले रोड का एरिया होगा, उसके बाद में यहाँ पर है ना सी व्यू वाला आपको एक प्रोमिनाड देखने मिलेगा। प्रोमिनाड का मतलब होता है जैसे मरीन ड्राइव है पहले, वैसे यहाँ पर भी एक सी कोस्ट बनाया जाएगा। वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, साइकिलिंग ट्रैक्स होंगे, गार्डन्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे। जो प्रोमिनाड का सी कोस्ट है वो यहाँ पर है ना पहले कोस्टल रोड आएगा, उसके आगे यहाँ पर एंड में यहाँ पर प्रोमिनाड होगा। तो वो प्रोमिनाड में जाने के लिए ना 16 अंडर पास पे बनाए जाएंगे हर 500 के मीटर पर, ये पूरे 7.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर पूरा प्रोमिनाड है ना ये स्टार्ट होता है वहाँ पर। मैंने जो आपको प्रियदर्शनी पार्क दिखाया था वहाँ से लेकर ये एंड ऑफ बांद्रा वर्ली सी लिंक तक। मुंबई का अगर आप मैप देखोगे ना तो मुंबई एक पेनिनसुला रीजन की तरह है जिसको तीनों तरफ से पानी ने घिरा हुआ है। उसके इंटरनल एरियाज में है ना ट्रैफिक तो काफी ऑफकोर्स बढ़ी गई है, तो वही इंटरनल एरियाज के ट्रैफिक को कम करने के लिए है ना जो मुंबई की वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उस पर पूरा एक रोड बनाया गया है जो यहाँ पर स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक यहाँ पर जाता है, तो उसी को यहाँ पर कोस्टल रोड कहते हैं। यही कुछ ओवरऑल लुक था पूरे ये कोस्टल रोड का। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। So guys, thank you very much for watching this video. If you enjoyed this video, do hit the like button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness. Do whatever you want to do, but don't do wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.